अस्सलाम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाना छोड़ दिया है। रीज़न क्या है, इसे पिछली वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज फ्राइडे का दिन है, सुबह का टाइम है। तो मेरा एक काम होता है जो मैंने सुबह सुबह लाजमी करना होता है, वो ये है कि मैंने अपने कबूतरों को दाना डालना होता है। ये भी एक नेकी का ही काम है। जब मैं छत पे आया था तो मैंने क्या देखा, मैंने ये सीन देखा। ये आप अभी देखेंगे जो। जी हाँ दोस्तों, ये सीन देखा मैंने। और ये सीन देखने के बाद मैं बड़ा हैरान हो गया था कि यार कल तो इतनी ज्यादा मतलब के बारिश हो रही थी और आज अल्लाह पाक ने धूप निकाल दी है, वो भी बड़ी मजे की। सो गाइस, दाना वगैरह कबूतरों को खिला दिया है, अब चलते हैं नीचे। हाँ नहीं, एक मिनट एक मिनट, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो क्या, मेरे लिए भी वो सरप्राइज ही था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सरप्राइज है। हाँ जी दोस्तों, ये सरप्राइज है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना कि जो अंडे दिए हुए थे दो, उनमें से ये दो बच्चे निकले हैं। और जो बड़ा मतलब कि पहले जो बच्चा दिया हुआ था, उन लोगों ने ये दो अंडे दिए हैं और ये कबूतर उसके ऊपर बैठा हुआ है अंडों के ऊपर। थोड़े दिनों में ये भी बच्चे निकलेंगे। और जो वो बच्चा था जो पहले निकला हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये वो बच्चा है जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जिसमें इसके पर भी पूरे नहीं थे। अब माशाल्लाह से ये काफी बड़ा हो चुका है। तो अब ये आ गया है, ये इसको अब दाना खिलाएगा इन दोनों को। लेकिन हो सकता है कि मेरे सामने ना खिलाए, तो बेहतर यही है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। सो गाइज, अब मैं जाने लगा हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद मैंने तैयार होना है, क्योंकि भाई जॉब पे जाना है, जॉब पे। सो गाइज, मैं हो गया हूँ तैयार। तो अब इलियास का वेट है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। तो जैसे ही इलियास भाई आएंगे तो फिर चलेंगे हम अपनी जॉब पे। तो गाइज, इलियास साहब आ चुके हैं, तो अब मिलेंगे हम उधर जाके। तो चलें इलियास भाई, चलते हैं, स्टार्ट करें बाइक, बल्कि स्टार्ट ही है। सो गाइस, हम लोग फील्ड में आ चुके हैं और मेरी बिल्कुल सामने साइड पे जो है वो क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। तो हमने मिलना है डॉक्टर साहब से, मैं मिलके वापस आता हूँ। ऑर्डर वगैरह तो कोई नहीं मिला, लेकिन ये है कि बंदे बड़े अच्छे इज्जत करते हैं और हर बंदा इज्जत से जुड़ा होता है, तो इस वजह से हम लोग इनसे रेगुलर मिलने के लिए आ जाते हैं। ये हमारी आखिरी कॉल थी, ये कॉल कर लिया। अब जुमे का टाइम हो गया तो हम जाएंगे अब जुमा पढ़ने के लिए। तब तक आप रेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, जुमा वगैरह पढ़ने के बाद इवनिंग की वर्किंग स्टार्ट होती है हमारी। तो इस टाइम मैं फील्ड में खड़ा हूँ और ये हमारे प्यारे दोस्त हाफिज अहमद साहब हैं, ये भी मेरे कलीग हैं और हम दोनों आज साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो ये भी हमारी टीम में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह एक आध दिन तक। तो फिर इकट्ठे मुलाकात होती रहेगी। अभी हमने एक डॉक्टर की कॉल करनी है और उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। तो आप लोग साथ बने रहिएगा। टाइम बहुत शॉर्ट था, जिसकी वजह से बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगली जो वीडियो है उसमें मैं वो आपको सब कुछ दिखा सकूं। तो दोस्तों, ये मेरी आखिरी कॉल थी, तो आखिरी कॉल मुकम्मल हो चुकी है। लाइट का बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लाइट का थोड़ा इशू है। तो आप लोगों ने इग्नोर करना है, थोड़ा सा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने जाना है अपने घर। तो यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो मैंने सोचा कि चलें भाई मौसमी का जूस ही पिया जाए। तो इस वजह से मैंने बाइक खड़ी कर दी और मौसमी का जूस पीने के लिए यहाँ पे खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं ये भाई जूस बना रहे हैं, तकरीबन बन चुका है और अभी ग्लास में डालने के लिए तैयार है। मौसमी का जूस इस भाई ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। जूस पीने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। आप देख सकते हैं कि लाइट ऑफ है और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अंधेरा वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी एक पैगाम देना चाहूँगा इन लोगों के लिए जिनकी लाइटें मेरी आंखों में जा रही हैं। अंदरून शहर है तो ये हाल है, अगर मेन रोड पे हो और वन वे रोड हो तो बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं, आपको बताइए।
बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुनसान रास्ता है, तकरीबन एक आध गाड़ी ही आ रही होगी। तो आप इस रास्ते को एंजॉय कीजिएगा और मैं बाइक ड्राइव करता हूँ। दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाना। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।